जिले के कोटवार बैठे धरने पर। मुंगेली जिला मुख्यालय के सामने कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बैनर तले कोटवार संघ अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। प्रमुख मांगे हैं, नियमित करते हुए कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने, मानदेय उच्चतम न्यायालय के मंशा के अनुरूप न्यूनतम 18,000 मासिक किया जाए। मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग पटवारों का प्रथम मांग जो है, पटवारों को शासकीय कर्मचारी दिया जाए और हमें राजस्व विभाग का एक प्रमुख उसमें पद दिया जाए। तो ये धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या है? आंदोलन कर लेके हम बाध्य होंगे। कितने सूत्री मांग? 6 सूत्री। क्या क्या मांगे उसमें है? हमारे प्रथम जो है कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरा जो है कोटवारों का मान्यता उच्चतम न्यायालय के अनुसार 18,000 वेतन दिया जाए। पटवारी की नियुक्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अमिताव पर रोक लगाते हुए अनुकंपा नियुक्ति किया जाए। प्रतिमा निमित्त मान्यता का भुगतान किया जाए। वर्दी कपड़े सिलाई की राशि दिया जाए। नक्सली हिंसा में शिकार हुए कोटवारों को उनके अनुकंपा नियुक्ति तथा 10 लाख की इसको बीमा दिया जाए। और नगर पालिका नगर निगम में जो क्षेत्र में कोटवार है उस कोटवार को प्रतिबंध हटाया जाए। पूरी नहीं होते साहब, ऊपर से की मांग पूरी करे पर हर काम में बैठे। का चाहत हो? शासन से हम शासकीय कर्मचारी। नियुक्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर रोक लगाते हुए अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था लागू की जाए। प्रतिमाह नियमित मानदेय भुगतान, प्रतिवर्ष वर्दी के कपड़े सिलाई की राशि सहित 3 वर्ष गर्म कोट देने संबंधित पूर्व में आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। नक्सली हिंसा के शिकार मृतक कोटवारों के परिवार सदस्यों को आर्थिक सहायता व नगर पालिका नगर निगम के कोटवारों की नियुक्ति में प्रतिबंध लगाए। कोटवार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक आजादी के पूर्व से जनता एवं शासन की सेवा में लगे हैं, परंतु आज भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में कोटवार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण जिले से लेकर राजधानी रायपुर तक अपनी मांगों को लेकर महिला व पुरुष कोटवार साथ मिलकर पूरे प्रदेश में आंदोलन का मन बना धरने पर निकल चुके हैं। मुंगेली से निखिलेश लाल की रिपोर्ट।